बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि कल जो मैंने आपको आर्टिकल करवाया था आपने उस आर्टिकल को फॉलो कर लिया होगा। आज हम उस आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं, जो कि मेरी बुक के मुताबिक पेज नंबर 326 के ऊपर है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले ये देखिए ज़रा ये क्या लिखा हुआ है। जो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने अमल करना है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। इसका फायदा क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मौसूल हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम आगाज करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, 9D² -12D +4 (y) इज इक्वल टू 0। कल जब हमने आर्टिकल किया था तो उसमें इसका नाम हमने क्या रखा था, f of d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। फिर हमने y की जगह पे e की पावर mx पुट करके तो इसको सॉल्व किया था। तो जब हमने y की जगह पे e की पावर एम एक्स पुट किया था तो एफ डी किसमें कन्वर्ट हो गया था, एफ एम के अंदर। तो अब क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट एफ एम लिखा करेंगे, क्योंकि आर्टिकल ऑलरेडी हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, डी की जगह पे एम पुट कर देंगे और इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब डी की जगह पे एम लगाया है तो इधर फिर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 9m² -12m +4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर आपका दिल करता है तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके फैक्टर बन रहे हैं 9m² -6m -6m +4 इज इक्वल टू 0। यू कैन सी 3m इज कॉमन इन द ब्रैकेट, यू विल हैव 3m -2 एंड -2 इज कॉमन फ्रॉम दीज टू फैक्टर इन द ब्रैकेट, यू हैव 3 -2 इज इक्वल टू 0, राइट? अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से आप देखें आपको 3m -2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 3m -2 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर 3m -2, क्योंकि ये तो बाहर कॉमन निकल चुका, इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की दो वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं और दोनों सेम वैल्यूज होंगी, 3m इज इक्वल टू 2, 3m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2/3। यहां से भी m किसके बराबर निकलाया, 2/3। वैल्यूज रिपीट हो गई हैं। अगर वैल्यूज रिपीट हो तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या था, y इज इक्वल टू पहला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन x के साथ जरब खाएगा e की पावर 2/3x, ये आपका सॉल्यूशन निकल आया है। अगर ये तीन वैल्यूज होती तो फिर c1 प्लस c2x प्लस c3x² हम लिखते। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, d³
माइनस फोर डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये किसके बराबर आ गया जी? ये तो डी का फंक्शन है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे डी है वहां वहां पे एम पुट कर देंगे, तो ये बनेगा एम क्यूब माइनस फोर एम स्क्वेयर प्लस एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी पावर थ्री आ गई है, फैक्टराइजेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं यहां पे सिंथेटिक डिवीजन के साथ एम की कीमत मालूम करने की कोशिश करता हूं। सिंथेटिक डिवीजन का तरीका काफी सारे स्टूडेंट्स को आता होगा और काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी आता होगा, तो जिनको नहीं आता वो जरा गौर से देखें। एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? वन। फिर स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखेंगे, फर्ज किया कि यहां पे अगर स्क्वायर वाली रकम ना होती तो फिर उसकी जगह पे जीरो लिख देना था हमने। इसका कोएफिशिएंट आ गया वन, इसका आ गया सिक्स। एक बात याद रखें कि अगर इन सब को जमा करने से जवाब जीरो आए, इन सब को जमा करने से जवाब जीरो आए, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये वन के ऊपर जरूर डिवाइड होगा, राइट? अगर वन नहीं आता तो फिर इसके जो डिवाइजर हैं, माइनस वन हो सकता है, टू पे डिवाइड हो सकता है, ये माइनस टू पे डिवाइड हो सकता है, थ्री पे डिवाइड हो सकता है, माइनस थ्री पे डिवाइड हो सकता है, तो फिर हम बारी बारी जो है इनके ऊपर चेक करेंगे। तो चेक करता हूं ये मैं माइनस वन के ऊपर, माइनस वन पर चेक किया, हो सकता है कि यहां पे जीरो ना आए, लेकिन मैं चेक करने जा रहा हूं। यहां पे हमेशा आपने जीरो लिखना है, इन दोनों को जमा करना है, जमा करने से जो आंसर आता है वो यहां लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो हम यहां लिखेंगे, फिर इन दोनों को जमा करेंगे, इधर वाले जो है इनको जमा करना होता है, इनको मल्टीप्लाई। ये आ गया मनफी पांच, इसको इससे जरूर दिया, जवाब क्या आ गया? पांच। इन दोनों को जमा किया, क्या जवाब आया? सिक्स। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस सिक्स। अरे वाह, ये तो जीरो निकल आया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आई है इसको हम कहेंगे कि ये एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू माइनस वन। अब ये देखें, ये क्यूब था ना, तो एक दफा डिवाइड करने के बाद अब ये स्क्वायर वाली टर्म रह गई है पीछे, और स्क्वायर के तो हमें फैक्टर बनाने आते हैं ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पावर टू हो, तो फिर तो हम इजीली इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो अब इसको मैं दोबारा इस फॉर्म में लिखता हूं, उसको कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। दोबारा इसको इस फॉर्म में लिखने का प्रोसेस, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये पहले एम क्यूब का कोएफिशिएंट था, अब ये एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट रह गया, और ये एक एक पावर कम करते जाए, एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन सी दैट फैक्टराइजेशन इज सो सिंपल, एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस थ्री एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एम कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर एम माइनस टू आया, माइनस थ्री इंटू एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एम माइनस टू इंटू एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक वैल्यू आ गई यहां से टू, और एक वैल्यू आ गई थ्री, एम इज इक्वल टू टू, एम इज इक्वल टू थ्री।
और एक एम आपने ये भी निकाला था एम इज इक्वल टू माइनस वन, तो तीन वैल्यूज आ गई हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर टू एक्स, जिसको मर्जी पहले लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, फिर उसके बाद सी टू ई की पावर थ्री एक्स, सी थ्री ई की पावर माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स आ जाएगा जी, राइट। तो ये है जी इसका आंसर। एक मैं आपसे बात और डिस्कस करना चाह रहा हूं, बाद बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये देखें जब आपने f ऑफ d की जगह पे m पुट किया तो ये 9m स्क्वायर 12m रकम तो सेम रहती है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट d को ही जीरो के बराबर पुट करके तो आंसर निकाल लिया करें, ये हमें m में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। हालांकि जब हमने कल आर्टिकल किया था उसमें हमने d को खत्म करके m में लेके आए थे, क्यों लेके आए थे उसका जवाब देखिए। इसको जब मैं हल करूंगा तो d की कीमतें मेरे पास आ जाएंगी 2/3, 2/3। अब d किसके बराबर होता है, ये तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को d ओवर dx इज इक्वल टू 2/3 आया। डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी कांस्टेंट के बराबर हो सकता है, ये तो मैथमेटिक्स के लिए बहुत बड़ी गाली होगी कि अगर हम d ओवर dx को कह देंगे ये 2/3 के बराबर है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप मार्केट में जो खुलासे अवेलेबल हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो वो d को m के अंदर कन्वर्ट ही नहीं करते, वो डायरेक्ट d की कीमतें निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। बिल्कुल आपने वैसे अटेम्प्ट नहीं करना, पहले d को m में कन्वर्ट करेंगे, m में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज निकालने के बाद फिर जो है वो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, 75d² + 50d + 12 into y = 0। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, f ऑफ d इंटू y को 0 के बराबर पुट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d की जगह पे m पुट कर दिया, ये आर्टिकल में साबित कर चुके हुए हैं हम, तो ये क्या बनेगा 75m² + 50m + 12 = 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इसको कहते हैं a बराबर आ गया 75, m का कोफिशियंट b कहलाएगा और ये वाला कांस्टेंट c कहलाएगा। फार्मूला है m इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, माइनस बी की जगह पे आ गया -50। बी स्क्वेयर का मतलब 50 का स्क्वेयर, -4a की जगह पे आ गया 75, c की जगह पे आ गया 12/2 a की जगह पे क्या आएगा 75। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, -50 + -50 का जब स्क्वेयर लेंगे तो 2500 आ जाएगा, माइनस 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 से 75 150 100 300 आ जाएगा, 300 को 1200 से जरूर दिया 3600, 3600 डिवाइडेड बाय 150, दिस इज फर्दर इक्वल टू -50 + -, अब ये 3600 में से 2500 गए तो बाकी तो 1100 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 150। अब 1100 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 11 इंटू 100 तो फिर 11 अंदर रह जाएगा, 100 जब बाहर आएगा तो 10 की शक्ल इख्तियार कर लेगा, डिवाइडेड बाय ये माइनस नहीं आएगा साथ, माइनस 11 डिवाइडेड बाय 150। ऊपर से मैंने 10 कॉमन निकाल लिया, -5 आ गया, प्लस माइनस, इसको आयोटा अंडर रूट 11 लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं,
ओवर 150, ये इसके साथ कटेगा, कितना रह गया 15, मनफी 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 ओवर 15, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 5 ओवर 15 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 बाई 15, ये आ गया मनफी 1 बाई 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 बाई 15। तो अब सॉल्यूशन लिखने की बारी आ गई हमारी, p प्लस माइनस आयोटा क्यू, क्या मेथड बताया था कि ये e की पावर में चला जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाई 3 एक्स इन टू ए कॉस का कोएफिशिएंट, ये बनेगा ए कॉस का एंगल, सॉरी ए कॉस ऑफ अंडर रूट 11 बाई 15 इंटू एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ अंडर रूट 11 बाई 15 इंटू एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें, ये फिर क्या है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, अब डी की जगह पे हम एम पुट करेंगे तो एम स्क्वायर एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये इसकी पावर 3 आ गई है, चाहे तो आप इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन लगाएं, या एक और तरीका भी है कि यहां से मुझे एम स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ मुझे आसान नजर आ रही है, यहां से 1 कॉमन नजर आया, तो अब इन दोनों में से एम प्लस 1 आ गया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एम प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यहां से एम की वैल्यू माइनस 1 के बराबर आ गई, और यहां से एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, जिसको आप जीरो प्लस माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या, तरीकाकार क्या होगा, वाई इज इक्वल टू सी 1, ये आ गया सी 1 ई की पावर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ई की पावर 0 एक्स आएगी। अब आयोटा का कोफिशियंट क्या है, 1, तो एक दफा कॉस के साथ और एक दफा साइन के साथ, किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो ये फिर आ गया ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स। अगर आपका दिल करे तो यहां पे सी 2 और सी 3 भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 5, डी क्यूब माइनस 6d² प्लस 12d माइनस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी की जगह पे एम पुट किया तो ये आ गया एम क्यूब माइनस 6m² प्लस 12m माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब वो वहां पे तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो गई थी, लेकिन यहां पे डायरेक्ट नहीं हो गई, यू हैव टू यूज सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। फिर दोबारा मेथड सीखें, इसका कोफिशियंट क्या है, 1 माइनस 6 12 माइनस 8 12 और 1 13 6 और 6 12 दोनों का सब। अब ये देखिए जरा, इसको और इसको इसका सम करते हैं तो 13 और इन दोनों को जमा करते हैं तो 14, यानी सबको जमा करने से जवाब 0 नहीं आता। अगर सबको जमा करने से जवाब 0 के बराबर आ जाए तो 1 के ऊपर जरूर वो डिवाइड होगा। अब आप माइनस 1 पर चेक करें, इसके बाद फिर आपने माइनस 1, उसके बाद इसके डिवाइजर क्या है, 2 माइनस 2 4 माइनस 4 पे चेक करना है, तो देखते हैं शायद माइनस 1 पे हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि माइनस 1 पे हो, लेकिन मैं आपको तरीकाकार बताने के लिए जानबूझ के ऐसा करूंगा। ये आ गया 1 0, यहां पे 1 आ गया
माइनस वन, इनको जमा किया तो माइनस सेवन, इसको जमा किया मल्टीप्लाई किया 19 माइनस 8, तो ये जवाब आता है 11, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है ये माइनस वन के ऊपर नहीं गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 2 के ऊपर चेक करेंगे। ये प्रोसेस आपने रफ में करना होता है, ठीक है। तो अब हम इसको 2 पर चेक करते हैं, यहां पे 0 आया 1, इसको जरब दी 2, माइनस 4, माइनस 4 को 2 से जरब दी माइनस 8, इनको जमा किया तो क्या जवाब आया प्लस 4, 4 टू जार 8, दैट्स गुड, ये 0 के बराबर आ गया जी। तो यहां से एक तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, दूसरी जो है अब डिप्रेस्ड इक्वेशन बना के निकाल लेते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एम स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो रिपीट हो रही है अभी वैल्यू, एम स्क्वेयर मनफी 2m आ गया, मनफी 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m कॉमन निकाला m माइनस 2, माइनस 2 कॉमन निकाला m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से m माइनस 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर m माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू आ गई 2, यहां से भी m की वैल्यू आ गई 2, और एक 2 जो है वो आप पहले निकाल चुके हुए हैं, m इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इस केस में, y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया है उससे मिलता जुलता है। एम क्यूब डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 10 इंटू y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, ठीक है। अब ये जो है डी क्यूब माइनस 27, इसमें फैक्टराइजेशन का नया तरीका है, ये वाला मैं डिस्कस करता हूं। ये आ गया एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा एम क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं m का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज, नॉट एट ऑल। लेकिन यहां पे अब कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं, यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है, पहले तो इनको क्यूब के बगैर लिखेंगे a माइनस b, फिर आएगा a स्क्वेयर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज प्लस b स्क्वेयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पहले क्यूब के ऊपर हाथ रखेंगे तो ये आ जाएगा एम माइनस 3, फिर आएगा पहले वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर दरमियान में प्लस होता तो यहां पे माइनस आ जाना था, यहां पे प्लस आना था। अब देखें एम माइनस 3 दो रकमें जरब खा रही है, जवाब 0 के बराबर आ रहा है, ये 0 के बराबर हो सकती है या ये 0 के बराबर हो सकती है। अगर ये 0 के बराबर है तो m की वैल्यू किसके बराबर आई, 3 के बराबर। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो m इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे आ गया 3, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, माइनस 4 ए की जगह पे 1 इंटू सी की जगह पे क्या आया 9 ओवर 2 इंटू 1। तो माइनस 3 प्लस माइनस ये 9 फोर 36, 36 में से 9 गए तो बाकी कितने रह गए, 36 में से 9 गए तो बाकी रह गए 27, माइनस 27 ओवर 2। माइनस 27 27 के तो फैक्टर बनेंगे 3, 3, 3, तो ये एक पेयर इसका बाहर आ जाएगा,
माइनस थ्री प्लस मनफी थ्री बाहर आ गया, अंदर रह गया मनफी थ्री ओवर टू। अब ये माइनस थ्री को लिखा जा सकता है आयोटा अंडर रूट थ्री, दिस इज फर्दर इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू। ये दो वैल्यूज आ गई। अब सॉल्यूशन लिखना है हमने y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर थ्री एक्स। इसको थोड़ा सा माइनस थ्री बाई टू प्लस माइनस थ्री बाई टू अंडर रूट थ्री आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा से पहले क्या है माइनस थ्री बाई टू इन टू ये एज ए एंगल का कोफिशियंट के तौर पे इस्तेमाल होगा ए कॉस ऑफ थ्री अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस बी साइन ऑफ थ्री अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स। ये आपका सॉल्यूशन निकल आया। ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें, एफ ऑफ डी इन टू वाई इज इक्वल जीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, डी की जगह पे एम पुट करें अब ये देखिए इसकी पावर फोर आ गई है, तो कैसे वैल्यूज निकालेंगे इसकी, फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है तो हमें सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेना पड़ेगा। बाय सिंथेटिक डिवीजन ये आ जाएगा फोर माइनस फोर माइनस थ्री फोर माइनस वन। देखिए इनका सम जीरो के बराबर आता है, फोर प्लस फोर एट प्लस एट ये माइनस सेवन माइनस एट, तो सबको जमा करते हैं तो जवाब जीरो के बराबर आता है। इसका मतलब है कि ये वन के ऊपर जरूर डिवाइड होगा, यहां पे वन लिखा, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है वो यहां पे लिखना है। इन दोनों को ऐड किया जीरो आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया जो आंसर आता है वो यहां पे लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आता है वो यहां पे लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो यहां पे लिखेंगे और यहां पे आ गया जीरो। रिमाइंडर जो है ये जीरो के बराबर आना चाहिए। उसके बाद अब आगे देखें चार और एक पांच, पांच में से तीन, अब ये आगे मजीद जो है ये वन के ऊपर नहीं जा रहा, तो माइनस वन पर चेक करें, माइनस फोर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस फोर, माइनस फोर इसको इससे जमा किया मल्टीप्लाई किया तो प्लस फोर आ गया, इनको ऐड किया तो वन माइनस वन, फिर रिमाइंडर आ गया जीरो। अच्छा जी ये रिमाइंडर इसका तो जीरो आ गया, अब जो है इनका सम जो है वो जीरो के बराबर नहीं आता, इसका मतलब वन के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब इसको मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसको चेक करूंगा माइनस वन के ऊपर, यहां पे जीरो इनको ऐड किया फोर आ गया माइनस फोर, इनको ऐड किया माइनस फोर आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया प्लस फोर, इनको ऐड किया प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस वन, तो रिमाइंडर जीरो के बराबर आ गया जी। एम की वैल्यूज दो निकलाई मेरे पास, एक वन और एक माइनस वन। अच्छा जी डिप्रेस्ड इक्वेशन अब क्या बनेगी, फोर एम स्क्वेयर माइनस फोर एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसकी फैक्टराइजेशन करें, फोर एम स्क्वेयर माइनस टू एम माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहां से 2m कॉमन निकाल लिया
माइनस वन आ गया, यहां से वन कॉमन निकाला, टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया टू एम माइनस वन, इन दोनों में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर फिर रह गया टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से m की वैल्यू आ गई वन बाई टू, यहां से m की वैल्यू आ गई वन बाई टू। तो टोटल m की वैल्यूज कितनी आ गई, एक प्लस वन एक माइनस वन, वन बाई टू वन बाई टू। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू सी वन e की पावर x प्लस सी टू e की पावर माइनस एक्स। अब ये देखिए ये दोनों वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इसका सोल्यूशन लिखने के लिए पहले सी थ्री फिर सी फोर के साथ मैं x लगाऊंगा e की पावर वन बाई टू एक्स। तो ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन जो हैं वो आपकी रेंज के अंदर हैं, आप उनको खुद कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो पहले 10 क्वेश्चन थे, काफी सारे मैंने कर दिए हैं, बाकी जो एक दो रह गए हैं वो आप लोग खुद ट्राई करें। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अगली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।